अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज हम अपनी इस दुनिया को ब्लू ब्यूटी के नाम से याद करते हैं, जिसका 70% हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है और 30% हिस्सा ज़मीन पर। रात के वक्त पूरा आसमान तारों से भरा हुआ होता है और दिन के वक्त जब सूरज निकलता है तो समा बदल जाता है। आज दुनिया को मुनव्वर करने वाले सूरज के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था कि जब इस सूरज की औकात उस वक्त के इंसान के लिए एक बल्ब से ज़्यादा नहीं थी। फॉर देम इट वॉज जस्ट समथिंग दैट वॉज गिविंग लाइट ऑन अर्थ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और तारों भरी इस रात के बारे में मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयाँ की जाती थी। ज़माना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है और आज हम बहुत कुछ जानते हैं जो कि हम उस वक़्त नहीं जानते थे। वक्त बदलने के साथ साथ इंसान ने ये सीखा कि हमारी ये ज़मीन साकिन नहीं है बल्कि सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश कर रही है। हमें आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ के बारे में भी इल्म हुआ कि हम जिस सूरज को जानते हैं उस सूरज के अंदर हर वक्त एक न्यूक्लियर रिएक्शन बरपा होता है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में हैवी मेटल्स बनते हैं और वो रोशनी पैदा होती है जिससे हमारी ज़मीन मुनव्वर होती है। गुजरते वक्त के साथ हमें ये एहसास हुआ कि सूरज के ऊपर ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि सूरज के ऊपर ये जो फ्यूल है जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ये ख़त्म होगा। एंड इट वॉज प्रूवन विद द हेल्प ऑफ साइंस कि आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी ना सिर्फ ये कि मद्दम होती जा रही है बल्कि एक वक्त वो आएगा जब सूरज नहीं रहेगा। What will happen at that time? आज की रिसर्च हमें इन चांद, सितारों, सूरज इनके बारे में किस चीज़ से आगाह करती है? सूरज की अगर कशिश शक्ल बाकी नहीं रहेगी तो ज़मीन का क्या बनेगा? इस वक्त तो हम टाइड अप है ना अपने सूरज के साथ, एक उस पत्थर की मानी जो कि एक धागे से बंधा हुआ होता है। वक्त गुजरा, चीज़ें बदली, इंसान ने वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। हमने वक्त गुजरने के साथ साथ खला में ना सिर्फ एक सैारे छोड़े बल्कि हबल टेलीस्कोप जैसी एक उमदा चीज़ भी छोड़ी जिसने हमें अपनी कायनात को समझने में काफ़ी मदद दी। हबल टेलीस्कोप की मदद से हमने ना सिर्फ अपनी गैलेक्सी की तस्वीर ली बल्कि हमने उन दूसरी गैलेक्सी की तस्वीर भी ली जो कि हमसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे है। और हमें अपने इस सवाल का जवाब कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार के अंदर ख़त्म होता है तो क्या होता है, उसका जवाब हमें हबल टेलीस्कोप जैसी टेलीस्कोप ने और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ने दिया। और फिर अगले सवाल ने जन्म लिया, और सवाल ये था कि जब कोई भी स्टार डेड हो जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट एक्चुअली रियली हैपेंस। साइंटिफिक एवोल्यूशन ने ना सिर्फ एक इंसान के रहने सहने का तरीका तब्दील किया, इंसान का जहन को तब्दील किया, इंसान का सोचने का अंदाज भी तब्दील किया, इंसान को वो नई नई चीज़ें सोचने पर मजबूर किया जो कि वो पहले नहीं सोचता था। 19वीं सदी आई और आए अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज ऐसी थी कि जिन्होंने फिजिक्स की बुनियादों को हिला कर रख दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो थ्योरीज प्रेजेंट की फिजिक्स को जो कि शायद अगर वो ना होते और वो प्रेजेंट ना करते तो हमें आज बहुत सारी नेमतों से महरूम रहना पड़ता। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बुनियाद बनाकर एक और साइंटिस्ट थे, नाम था उनका कार्ल। उन्होंने थ्योरी ये प्रेजेंट की कि जब किसी भी स्टार की डेथ होती है, जब वो अपनी डेथ के नज़दीक होता है तो उसका मैटर कंप्रेस हो जाता है। ये कंप्रेस होता कैसे है, उनकी थ्योरी कहती क्या थी? अगर हम आज किसी भी स्टार यानी कि सितारे के ऊपर गौर करें, और बाय द वे हमारा सन भी एक स्टार है, आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, और जिस तरह हमारे सूरज का एक सोलर सिस्टम है, ज़मीन है, सैारे हैं, इस तरीके से हर स्टार का एक सोलर सिस्टम होता है। उनकी थ्योरी ये कहती थी कि स्टार के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है उसकी वजह से आउटवर्ड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उस सितारे का जो होल होता है, जो उनके बाहर का कोर होता है, उसको वो अंदर कोलैप्स नहीं होने देता। सितारे के अंदर जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है इसके नतीजे में हैवी मेटल्स जन्म लेते हैं जिनमें कार्बन शामिल है, सिलिकॉन शामिल है, आयरन शामिल है। लेकिन जब बाहर की इस कोर का वज़न 1.4 टाइम्स द वेट ऑफ द स्टार हो जाए तो ये पूरी की पूरी कोर कलैप्स करती है, और जब ये कलैप्स करती है इनवर्ड तो एक शॉक वेव प्रोड्यूस होती है, और उस शॉक वेव के नतीजे में स्टार बर्स्ट्स, एक ज़ोरदार किस्म का धमाका होता है और सितारे के परखचे हो जाते हैं। ये थ्योरी काफ़ी अरसे तक सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी रही, और बाय द वे ये जो सितारे के परखचे उड़ते हैं इस फिनोमेना को कहा जाता है सुपरनोवा, और इंसान ने ये सुपरनोवा तब तक नहीं देखा था जब तक हबल टेलीस्कोप आसमान में नहीं गई। और फिर हबल टेलीस्कोप जब आसमान में और खला में गई तो वहाँ से उसने वो हैरान कुन किस्म की तस्वीर भेजी कि जिसने इंसान को हैरान और शस्तर कर दिया। हबल टेलीस्कोप ने मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे जो गैलेक्सीज हैं उनकी हमें ऐसी ऐसी तस्वीर भेजी हैं कि जिनके बारे में उस वक्त का इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं था कर सकता। दीज फोटोज क्लियरली शो हाउ अ सुपरनोवा टेक्स प्लेस। इस सुपरनोवा के बाद ये जो डेड स्टार वजूद में आता है इसको कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। इस पूरे के पूरे सुपरनोवा के नतीजे में स्टार का साइज श्रिंक हो जाता है, एक्सट्रीमली स्मॉल।
अगर आप एक मिसाल लेना चाहें तो ये मिसाल ऐसी ही है कि जैसे आप K2 जितने बड़े पहाड़ को एक पेबल के अंदर कन्वर्ट कर दें, एक छोटी सी कंकर जो कि आपकी उंगलियों के दरमियान में फिट आ सके, लेकिन आप अपनी उंगलियों से उसको उठा नहीं सकेंगे क्योंकि श्रिंक होने के बावजूद ये जो पहाड़ की पेबल बनेगी, इट विल स्टिल हैव ऑलमोस्ट द सेम वेट एज द माउंटेन क्लोज टू इट। न्यूट्रॉन स्टार काफ़ी रगेड होता है, काफ़ी सारी फोर्सेस को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन स्टिल अगर इसके ऊपर मजीद एक्सेसिव फोर्स अप्लाई की जाए तो फिर ऐसा होता है कि दिस स्टार वैनिशेस इनटू नथिंग, एंड व्हेन दिस स्टार वैनिशेस इनटू नथिंग इट गिव्स बर्थ टू अ ब्लैक होल। लेकिन ये पूरी की पूरी थ्योरी, पूरी की पूरी कहानी सिर्फ एक कहानी ही रही जब तक सन 1971 में पहली बार साइंसदानों ने गैलेक्सी सिग्नस के अंदर एक ब्लैक होल डिस्कवर नहीं किया। दैट डिस्कवरी वॉज ऑब्वियसली मैसिव। ये पहली बार थी कि जब साइंसदानों को ये अंदाज़ा हुआ कि इस पूरी गैलेक्सी के दरमियान में कोई ब्लैक होल मौजूद है। बट स्टिल दिस एविडेंस वॉज नॉट सो सफिशेंट फॉर मैनी ऑफ द अदर साइंटिस्ट। कहानी इसी तरीके से चलती रही और फिर हबल टेलीस्कोप की वो तस्वीर आई जिनका मैंने अभी जिक्र आपके सामने थोड़ी देर पहले किया, लेकिन इन तस्वीर में सुपरनोवा हमें नजर आ रहा था। वी कुड ईजिली सी अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग, लेकिन हमें ब्लैक होल कहीं नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ब्लैक होल इज अ ट्रांसपेरेंट थिंग। ब्लैक होल के आप आर पार देख सकते हैं। द ब्लैक होल इज अ थिंग दैट हैज मैसिव अमाउंट ऑफ ग्रेविटी। ब्लैक होल की ग्रेविटी का आप अंदाजा यहां से लगाएं कि हम जिस एंटिटी को सबसे तेज मानते हैं दैट इज लाइट, रोशनी। ब्लैक होल की ग्रेविटी रोशनी को भी नहीं छोड़ती। और ब्लैक होल को एक ब्लैक होल इसीलिए कहा जाता है कि इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये बिल्कुल ब्लैक होता है, इसके अंदर आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही होती, और दूसरा इसके अंदर इंटेंस और एक्सट्रीम किस्म की ग्रेविटी होती है जिसका सामना हम शायद कभी भी ना कर पाए। अगर हम अपनी ज़मीन के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हमारी ज़मीन जिस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है उसको कहा जाता है मिल्की वे। और जहां तक इस कहकशां की मैपिंग की गई है उसके मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी एक रिलेटिवली क्वाइट जगह पर मौजूद है। हमारे इर्द गिर्द गैलेक्सीज मजीद हैं तो ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप एक डिफरेंट कॉर्नर पर देखें कहकशां के, जिसको कि वर्गो कहा जाता है, वहाँ पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं। और जब हबल टेलीस्कोप का रुख उस जानब मोड़ा गया तो हबल टेलीस्कोप ने वो शानदार किस्म की तस्वीर भेजी कि जिनको देखकर इंसान दंग रह गया। लेकिन ब्लैक होल की तस्वीर खींचना या ब्लैक होल को देखना अभी तक मुमकिन नहीं था। ब्लैक होल के बारे में सिर्फ और सिर्फ कयास आराइयां की जा रही थी और ये सोचा जा रहा था कि शायद अगर ब्लैक होल कभी इस काबिल हो के वो नज़र आ सके तो वो कुछ इस किस्म का लगेगा, क्योंकि अगेन ब्लैक होल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मुख्तलिफ तरह से बनते हैं। आज हम जिस ब्लैक होल की बात कर रहे हैं इसको कहा जाता है स्टेलर ब्लैक होल, यानी कि एक ऐसा ब्लैक होल जो कि उस वक्त मारज़े वजूद में आए जब किसी सितारे की डेथ हो। ब्लैक होल आपकी फैब्रिक ऑफ टाइम एंड स्पेस के अंदर एक पंक्चर है। जब रोशनी भी ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर सकती तो कोई ना कोई रोशनी अपना विजिबल ऐसा ट्रेस तो छोड़ेगी ब्लैक होल के अंदर जज्ब होने से पहले। इसी के बेसिस के बुनियाद पर डिफरेंट मॉडल्स बनाए गए। दो चीज़ें ऐसी थी जो कि सोचा जाता था कि ब्लैक होल के साथ लाजमी वाबस्ता होंगी। एक तो इसकी डिस्क, जिसको कहा जाता है एक्रेशन डिस्क। एक्रेशन डिस्क इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो चीज़ एक्रेशन डिस्क तक पहुंच गई वो तो ब्लैक होल के अंदर जाएगी ही जाएगी। और एक्रेशन डिस्क बेसिकली वो एक आउटर फ्रिंज होती है ब्लैक होल के इर्द गिर्द, जहाँ पे हर चीज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही होती है। और जो चीज़ इस सर्कल के अंदर आ गई वो फिर सीधी ब्लैक होल के अंदर जाती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मी एंड यू वी कैन नॉट सी, इट्स इंटेंस ग्रेविटी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ब्लैक होल किसी भी मैटर के ऊपर फीड कर रहा होता है, व्हेन इट इज़ फीडिंग ऑन द मैटर दैट इज़ अराउंड इट, तो अपनी जो एक्रेशन डिस्क है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के जाविये के ऊपर, ऊपर की जानी भी और नीचे की जानी भी, देर इज़ अ बर्स्ट ऑफ प्लाज्मा। और ये बर्स्ट ऑफ प्लाज्मा कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि हम ज़मीन के ऊपर ऑब्जर्वेटरी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और 10 अप्रैल सन 2019 को वो पहला इमेज रिवील किया गया जिसमें कि दुनिया ने पहली बार ब्लैक होल को देखा। तो ये इमेज बेसिकली ब्लैक होल के इर्द गिर्द उस फ्रिंज का था, उस एक्रेशन डिस्क का था, और साथ ही साथ उस प्लाज्मा का था जो कि हमारी तरफ आ रहा था और पीछे जा रहा था। इस फोटोग्राफ में आपको जो ये ब्राइट पोर्शन नजर आ रहा है ये वो गैमा रेज़ का बर्स्ट है जो कि हमारी जानिब आ रहा है, इसलिए ये ब्राइट है। ऑपोजिट साइड पे जो जाएगा वो डिम होगा। और एक स्ट्राइकिंग फैक्ट ये था कि ये फोटो एग्जैक्टली उसी तरह का था जैसा साइंटिस्ट इससे पहले प्रेडिक्ट करते आ रहे थे। और 10 अप्रैल सन 2019 को साइंसदानों की मदद से इंसान ने एक चीज़ और अचीव की, और वो ये कि हमने इस ब्लैक होल को एक्शन में देखा, फीड करते हुए देखा। एक और काबिल जिक्र बात ये है कि ये ब्लैक होल सिर्फ और सिर्फ M87 गैलेक्सी में, जिसकी ये ऑब्जर्वेशन की गई थी, सिर्फ वहाँ पे नहीं है, ये हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं।
और गैलेक्सी की तरतीब कुछ इस तरीके से होती है कि सेंटर में होता है ब्लैक होल, उसकी ग्रेविटी की वजह से उसके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं स्टार्स, स्टार्स के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं उनके चांद। और इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को जानकर और समझकर हमें अब इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कोई भी चीज़ रहने वाली हमेशा के लिए नहीं है। हम जो कहते हैं ना कि हर अरूज को एक जवाल है, तो शायद ये ज़मीन, सूरज, चांद, सितारों हमारी इस गैलेक्सी का अरूज है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप की मदद से हम हज़ारों ऐसी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं जहाँ पर या तो सुपरनोवा हो रहा होता है या हो चुका होता है, और हमें वो बिलियंस एंड बिलियंस लाइट ईयर अवे की तस्वीर हबल टेलीस्कोप यहाँ पे भेजती है। और इन सब को ऑब्जर्व करके हम अब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि सूरज हमेशा नहीं रहेगा। देयर विल कम अ टाइम व्हेन द सन विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार एंड प्रोबेबली इट विल बिकम अ ब्लैक होल। पहले किसी वक्त ये तस्वीर किया जाता था, ये थ्योरी पेश की जाती थी कि शायद ब्लैक होल रेयर होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, लेकिन आज हम इस चीज़ को जानते हैं कि ब्लैक होल ना सिर्फ ये कि एक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होता है, बल्कि एक गैलेक्सी के अंदर और छोटे छोटे ब्लैक होल्स मौजूद हो सकते हैं। जब M87 की इस फोटोज़ को रिलीज़ किया गया, तो उससे पहले ये टेलीस्कोप हमें सजिटेरियस ए का व्यू भी दे चुकी है। सजिटेरियस ए बाय द वे वो ब्लैक होल है जो कि हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिस ब्लैक होल के इर्द गिर्द हमारी ये गैलेक्सी रिवॉल्व कर रही है। और आज हमारे कंप्यूटर की सिमुलेशंस ये साबित करती हैं कि ये ब्लैक होल्स ना सिर्फ ये के मौजूद हैं, बल्कि कई मरतबा कई ब्लैक होल्स मिलके एक बड़ा ब्लैक होल बनता है। सुपरनोवा होते रहते हैं, होते रहेंगे, हमेशा से होते हुए आए हैं, और एक वक्त वो भी आएगा कि जब हमारा ये सोलर सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा और हम अपनी इस ब्लू ब्यूटी से हाथ धो बैठेंगे। आज की वीडियो को बेसिकली मैंने सिंपल रखने की कोशिश की, ताकि मैं आसान और सादा अल्फाज में लोगों तक ये पहुंचा सकूं कि ब्लैक होल है क्या। मुझे पता है आप में से अक्सर लोग सिर्फ और सिर्फ शिप्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने शौक के हाथों मजबूर हूँ। काफ़ी सब्र करने के बाद आज मैंने ये फैसला किया कि यार मैं एक वीडियो फिजिक्स के किसी मौजू के ऊपर भी बना दूँ। आई सिंपली लव फिजिक्स, व्हाट टू डू, क्या करूँ। बाय द वे आज सर्दी है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, आपके यहाँ तो गर्मियाँ चल रही हैं, यहाँ पर सर्दी है। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ब्लैक होल से आगाही देने की कोशिश की और आपको ये बताने की कोशिश की कि ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल कैसे बनता है, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इसने किसी भी तरीके से आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन फराहम की हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस ब्लैक होल्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, आई बी वेरी हैप्पी टू टेल ऑल ऑफ दैट टू यू, प्रोवाइडेड आई हैव सफिशिएंट टाइम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली। दिस इज मी ज़ाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।